out on Jeter Kumar. Mike? I hate that loud. You're crawling around. Leon! Searching for higher ground. Can't see in front of me. सो हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज महेंद्र एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. टुडे इज 7th ऑफ नवंबर और फिलहाल मैं कर रहा हूँ ये पैकिंग क्योंकि कल है मेरे मामा जी के लड़के का तिलक. एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम जाएंगे एक दिन पहले, तो फिलहाल ये जो भी फैला हुआ है अभी सामान रखना है, पैक करूंगा एंड फिर इसके बाद तैयार होऊंगा एंड देन आगे बात करते हैं. सो पैकिंग कंप्लीट, मैं भी रेडी हो गया हूँ और अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ. लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ थोड़ा मार्केटिंग कर लेता हूँ, स्वीट्स वगैरह ले लूँगा और ATM से भी रुपए निकालने हैं एंड देन उसके बाद निकलते हैं. ओके तो भाई अभी मैं हूँ रास्ते में, करीब 5-7 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है. अभी तकरीबन बज रहा होगा 5 और निकलते निकलते एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया. मार्केटिंग में थोड़ा सा काम वाम आ गया था, उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया और अभी एक घंटे बाद अंधेरा भी होने लग जाएगा तो फटाफट निकलना भी. करीब अभी 20 किलोमीटर और ट्रैवल करना है. फिलहाल मैं इसमें अभी पेट्रोल भरवाऊंगा, ये सामने पेट्रोल पंप है तो फटाफट पहले पेट्रोल भरवाते हैं उसके बाद निकलते हैं. भाई देखो अपन ने फ्यूलिंग करवा लिया था और अभी बस करीब 10 किलोमीटर का और ट्रैवल करना है. एक्चुअली प्लान क्या था कि मैं बोर हो रहा था ट्रैवल करते करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ. तो आप में से ये लोग बताइए किसने कितने लोगों को नानी घर पर जाना अच्छा लगता है. अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछे ना तो मेरे को तो बहुत मज़े आते हैं क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना बचपन से हम लोग का यही प्लान रहता, जब भी 2-4 दिन का छुट्टी होता था फटाफट बस नानी घर जाना, नानी घर जाना, नानी घर जाना. तो अभी भी बस वहीं जा रहा हूँ, मज़े करेंगे. और तकरीबन मैं इस बार तो मैं करीब जा रहा हूँ 5-6-7 महीने हो गए मेरे को ले गया हूँ, तो अभी वहीं पर रहेंगे और साथ में सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे तो अलग ही फील आएगा, अलग ही मज़े आएंगे. बस अभी बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर रुका था ब्रेक के लिए, देखता हूँ आगे क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो गया और आई थिंक मैं आधे घंटे में पहुँच भी जाऊँगा. चलो चलते हैं. तो भाई मैं आ गया हूँ अपने गांव नानी के घर पर. एक्चुअली मैं मुझे करीब 2 घंटे पहले ही आ गया था और बस पहले साथ में सब लोग बैठे, बातें किया, उसके बाद अभी तो मैं खाना वाना खा के आराम से बैठा हूँ. फिलहाल बाकी के जितना भी कल का प्रोग्राम है वो सब बाहर ही अभी काम चल रहा है. कुछ लोग गुलाब जामुन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं लड्डू बन रहे हैं और मैं तो बस अभी आराम से यहाँ बैठा हूँ. ये सेब काटे हैं जनाब ने, तो बस अभी सेब खाएँगे और बस अभी और कुछ करना नहीं है. फिलहाल आराम से लेटेंगे और सोएंगे, बाकी का मिलेंगे कल. सो हेलो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बस एक बढ़िया सा नींद लेकर अभी उठा के आऊँ. एक्चुअली बच्चा पार्टी ने इतना ज़्यादा शोर मचा दिया कि ना उठना ही पड़ गया क्योंकि शादी का माहौल है तो इतना तो चलता ही है. एनीवेज अभी मैं आपको ना एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं. तो एक्चुअली ये है वो मोस्ट पॉपुलर जगह जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और अभी भी करते हैं. तो एक्चुअली ये है गार्डन, इस तरफ सारे आम के पेड़ लगे हैं, कहीं अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और कहीं अनार का, तो सारे फ्रूट जहाँ जितने भी होते हैं ना वो सारे यहीं पे लगे रहते. तो यहाँ पे हम लोग जब भी आते थे बस यहाँ पे खटिया बिछाते थे और मस्त एकदम खुली हवा में लेटते थे. कहीं कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कहीं इस पेड़ पे, पेड़ पे, कहीं उस पेड़ पे, बस यही होता रहता था पूरे टाइम. और इस तरफ अभी हो रखा है आलू की खेती और ये पूरा एरिया सब नानी का ही है. तो बोलते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अभी मैं करूँगा पहले सबसे पहले फटाफट ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद जाना है मार्केट छोटा मोटा सामान के लिए. तो चलो निकलते हैं. तो भाई साहब हम लोग आए थे मार्केट, कुछ सामान तो ले लिया है ये और कुछ जनाब ने पीछे पनीर वगैरह रख लिया है, तो बस अभी आगे निकलते हैं. तो बस अभी हम लोग बैठे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे और ये जो है ये मिली है मेरी भतीजी है. इसका नाम क्या है, अपना नाम बता दो. अच्छा ठीक है, इसका नाम तो ठीक है. तो अभी क्या ये ब्लॉगिंग मेरा पूरा संभालेंगे, तो चलो स्टार्ट करो अपना अपना इंट्रो दे दो. मामा क्यों इंट्रो? आपका ब्लॉग है? आपका तो नहीं, जो आपका वाला जो ब्लॉग है वो तो आप ही स्टार्ट करती हो ना, तो ये वाला भी स्टार्ट कर सकते हो ना. क्यों बाबा, मैं तो चली. बाय चलो.
नहीं मैं तो जा रहा हूँ, इधर ही रुकूंगा अभी। बाय। आज नहीं, कल आओगे? मैं तो कल आऊंगा ना। नहीं आज। मैं जा रहा हूँ। चलो इसका बाय बाय। हाँ ठीक है। तो भाई फंक्शन हो गया है कंप्लीट और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11। तो ब्लॉग को भी एंड करना था, तो चलिए करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।